मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वो इतने सारे पैसे, वो भी बिना मेहनत के। यार मुझे तो लग रहा है हम सियासत में आ गए। लेकिन इतने सारे पैसों को करेंगे क्या? लंदन जाएं या फिर स्विट्जरलैंड जाके बैंक में रखवा दें? नहीं, इसमें तो मेरा आईफोन आ जाएगा। खबरदार जो उन पैसों को खर्च करने का सोचा भी। पता नहीं पैसे पाक हैं या नहीं। पाक? एक मिनट। एक तो सुबह से मोहल्ले वालों ने बकरे पे पैसे वार वार के पैसों की मंडी लगा दी है। चलो भाई। ये क्या कर रहे हो? अरे पैसे भगाओगे क्या? अरे तुमने ही तो कहा है कि पैसे पता नहीं पाक है या नहीं। वैसे भाई तुम सही कह रहे हो, इसमें चमन खान ने 500 रुपए डाले और वो दीवार के साथ चिपका खड़ा रहता है दीवार की तरह मुंह करके। उसके तो डेफिनेटली पाक नहीं होंगे ना यार। अरे मैं हराम हलाल की बात कर रहा था। तो क्लियर करो ना। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब 4 घंटे में इतने सारे पैसे जमा हो गए तो कल परसों बल्कि अम्मी अब्बू के आने तक तो पैसों से स्टोर रूम भर जाएगा। यार देखो तुम लोग की खुशी अपनी जगह, लेकिन ये पैसे जायज नहीं है। अब ये सोचो कल क्या मुसीबत नासिल होगी। मुसीबत? हाँ। आप सोच रहे होंगे कि ये मुख्तसर सी जाने किसी डाके या 2 नंबर के चक्रों में पड़ गई है। नहीं, ये इनकी मेहनत की कमाई है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि प्यारे लाल के पैसे हैं। हाँ, प्यारे लाल के बारे में ज्यादा ना सोचें, हम मिलवा देते हैं। तो चलें प्यारे लाल को जानने के लिए लपड़ घंचों की जिंदगी को थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं। बाबू तो मेरी प्यारी बहनों, अगर दूध वाला आपके दरवाजे पर आए तो खुद मत जाना, वरना आपका घर वाला शक करेगा। और दूध वाले को अंदर भी मत बुलाना, वरना वो खुद शक करेगा। और ज्यादा देर दरवाजे पर मत खड़े रहना, वरना मोहल्ले वाले शक करेंगे। या अल्लाह, फिर अटैक। अल्लाह की कसम मेरी फोन जो है ना तोड़ दूंगी। क्या वाहियात वीडियोस बनाती रहती हूँ। ये हुलिया देखो अपना, क्या हुलिया बना रखा है। कब से दूध वाला बेल बजा रहा है, जाओ दूध लेकर आओ। पूरी कौम को दूध वाले के खिलाफ भड़का दिया है। दूध वाला कम और शक वाला ज्यादा लग रहा है अब तो। एक तो मैं जब 4 पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ, ये जालिम जमाना बीच में आ जाता है। अरे टिकटॉक पर मशहूर होंगी तो ही पैसे मिलेंगे ना। मेरा बच्चा मेरे पास आए, मैं देती हूँ ना एक एक चप्पल के 20 रुपए। 20 रुपए यानी एक दिन में 500 रुपए। अगर आप मुझे ऐसी हजारों चप्पलें भी मारेंगे ना तो भी एक मेरा मामूली सा फोन आएगा। वैसे शुक्र करें कि आपके सिर्फ 2 ही पाँव है, वरना कितनी सारी चप्पलें पड़ती। तौबा है, नमाज की ना रोजे की, अल्लाह रहम करे इस नस्ल पे। सोशल मीडिया ने ना सत्यानाश कर दिया है, मतलब माँ बाप की भी इज्जत नहीं है। अरे भाई बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तुम खाम खा टेंशन ले रही हो, और वैसे भी हम ईद से 3 रोज पहले वापस आ जाएंगे। आप घर से बाहर रहते हैं, आप जानते ही नहीं कि तीनों की तीनों कितनी बड़ी मुसीबत है। आखिर औलाद आप ही की है ना। वैसे कबीर साहब मुझे एक बात समझाइए, माना कि मैं जरा कम अकल हूँ, कि हम ईद के बाद क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई इसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे सोच सोच के ना हॉल उठ रहे हैं। ये तीनों जो है ना अपने फोनों से चिपके रहेंगे, फिल्में देखते रहेंगे। आपको उनको इतनी छोटी छोटी उम्र में ना मोबाइल फोन दिलाने नहीं चाहिए थे। बिल्कुल सोशल मीडिया ने इनका सत्यानाश कर दिया, पढ़ाई तो कर ही नहीं सकते अब ये। अच्छा अब ये इल्जाम भी आप मुझ पे धर दें। आपने कहा था अभी खुर्रम की 3री पोजीशन आई है, मैंने मोबाइल का वादा किया था, और फिर उसके बाद खुर्रम का मोबाइल पुराना हो गया है, क्यों ना हम ये ईमान को दे दें। उमर बेचारा ऐसा से कमतरी का शिकार हो रहा है, एक छोटा सा मोबाइल उसके लिए भी। अरे ममता तो तुम्हारी फड़फड़ा रही थी, मुझे क्यों इल्जाम देती हो? हाँ तो माँ हो, माँ तो मोहब्बत में कुछ भी कह देती है, इनकार कर देते, कोई बहाना कर देते।
देखा सच बोला ना मैंने, हो गया चुप, कुछ नहीं कह सके आगे से। हाँ एक बात सुनो बेटा, तुमको पता है श्रीलंका में जो ये बैंकरप्सी आई है ये मेरी वजह से आई है, और ये जो पाकिस्तान एशिया कप हार गया है तो कोच का बयान आया है कि कबीर साहब की वजह से आ रहा है, क्योंकि कबीर साहब मैच नहीं देख रहे थे, और तो और ये वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्जा जो नहीं दे रहा मेरी वजह से नहीं दे रहा, और जो आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है मैं खुद जाके अपने हाथ से मारता हूँ। ये जुगते मारने से ना हकीकत नहीं बदलने वाली कबीर साहब, आप एक काम करें आप सो जाएं, हम ना सुल्तान मामू को बुला लेंगे। हम खबरदार खबरदार, जो अपने उस चीटर मामू का नाम भी लिया तुमने, पिछली मरतबा भी आके मेरा एलईडी निकाल के ले गया कि हमारी टीवी पे आज टीवी नहीं आता, और तो और मेरे सारे सलवारों में से हजारबन खींच के ले गया था कि इतने अच्छे नाड़े चीजा पत्नी में नहीं मिलते। हाँ तो क्या करूं, 15 दिन के लिए बच्चों को अकेला छोड़ दूं, मुसीबत है। नहीं 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 हरगिज नहीं, ये तुम्हारा मामू वाला आइडिया बिल्कुल बेकार है, फजूल है, फ्लॉप है, फ्लॉप। आइडिया अब क्या है, मामू के खिलाफ तो अदम एतमाद पेश कर दी, अब क्या पाकिस्तान का कर्जा माफ करवाने का आइडिया है? अरे भाई बात तो सुनो, क्यों ना हम बच्चों को कोई ऐसा मशगला दे जाए, कोई ऐसा बिजनेस दे जाए जिसमें वो हर वक्त बिजी रहे। ऐसा क्या करेंगे वो है? घर पेंट करेंगे या फिर लॉन खोदने का मंसूबा दे दें उन्हें। एक तो औरत की अकल के आगे जबान का फटक लगा होता है। अरे बात तो सुन लो पूरी, भाई बकरीद आने वाली है और ये बात तो पूरा पाकिस्तान जानता है कि हमारे बच्चे जानवरों की खिदमत किस खुशी व खुशू से करते हैं। वाह कबीर साहब वाह, क्या बात है आपकी, और अकल पे फाटक मेरी लगाए है ना, और आप तो अपनी अकल कहीं गिरवी रख कर आ गए। अरे भाई बकरा ईद में तो अभी काफी टाइम है और हम जानवर एन पक पर लेकर आते हैं। अरे अकल की दुश्मन, यही तो कह रहा हूँ, क्यों ना हम अभी से उनको एक जानवर लाके उनको उससे मशरूफ कर दें और उनसे शादी पे चले। वाह कबीर साहब, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी सोबत का इतना अच्छा असर होगा, क्या आइडिया लेकर आए। अब ऐसे जरा वो पाकिस्तान को जरा ठीक करने के भी कुछ मंसूबे वंसूबे देते हैं, कोई आइडिया होगा? नहीं मसले खत्म हो जाते। यार वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ, पापा बकरे इतनी जल्दी क्यों लेकर आ गए? जी बात है ना, कुर्बानी का बकरा है, खेलेंगे उसके साथ। अरे नहीं भाया, बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि जब हमारा जानवर आए ना, वैसे तो गाय कभी आई नहीं है, लेकिन गली में रश लग जाए, लोग ही लोग हो, ओए होए कितना मजा आए ना। नहीं ना, लेकिन ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि हमारे जानवर पे रश लगे, सोचो अगर इस बार ऐसा हुआ तो कितना मजा आएगा। 2 लाख रुपए का बकरा है ना, है ना? अरे बकरा जो भी हो यार, लेकिन रश लगना चाहिए यार, रश। उफ हो जाए यार, काम करने दे, रश लगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए बस। यार बस लैपटॉप में लेकर रहते हो भाई। उफ यार बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी। अरे है। मेरा जानी, मेरा दोस्त, मेरा हमदम, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? सॉरी भाई, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं इतना भी टुन नहीं हूँ, मुझे पता है जब मेरे भाई की जेब में पैसे होते हैं ना तो वो मुझे पहचानता नहीं है। पीछे की बात कर, पीछे की बात कर, इतनी तो पब्लिक टॉयलेट में से बदबू नहीं आती जितनी तुझ में से आ रही है। हाँ याद आया, बिहारन खाला तुझे ढूंढ रही है, हाथ में चप्पल भी है, तेरी कुटाई होगी तेरी। वो देख वो रही है, वो रही, वो रही, वो रही। छूटा कहीं का, खैर पैसे तो आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं से, इससे नहीं तो किसी और से सही। तो दिखाऊंगी। ईमान, ईमान, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, एडिटिंग चेक करो, चेक करो, ऐसा लग रहा है जलसे में खड़ा हुआ हमारा बकरा। ओए आप, वैसे इसमें से हमारा बकरा कौन सा है?
ये खड़ा ना हमारा बकरा, बाकी तो सारे मेरे दोस्त हैं। ओ अच्छा अच्छा सॉरी मैं तो पहचानी ही नहीं। और ये वाला तुम्हारा दोस्त शफकत है ना? शफकत नहीं है, यही बकरा हमारा। जी तुमने ऐसी बकवास एडिटिंग की ना कि बकरे और शफकत का फर्क ही खत्म कर दिया। ये मेरी बात सुनो, ये बकरा 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 कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ दिनों का मेहमान है, थोड़ा अच्छा सा नाम रख दे देना। हाँ सोचो। प्यारा सा नाम, प्यारा सा, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। बताओ। प्यारे लाल, प्यारे लाल, प्यारे लाल, हाय 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 हाय, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं है। छोड़ो 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 मेरा फोन। अभी और लूंगी जाके मेरा बकरा। भाई ये लो प्यारे लाल, खाओ भाई खाना। इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आए बिटिया, हम तुम्हारी दीवार देखने आए हैं। कोई चोर जो है ना कोई निशानी छोड़ के गवाह होगा। आए वो बदमाश हमारा सब कुछ ले गवा, सब कुछ ले गवा। अरे हमारी दीवार से आपका क्या ताल्लुक? अरे वो चोर लफंगा जरूर तुम्हारी दीवार से आया होगा। हमारे घर की दीवार तो इतनी सी है, उससे कौन कूदेगा भला? जरूर तुम्हारे घर से ही आया होगा। भाई मैं जा रहा हूँ प्यारे लाल के लिए पानी लेने, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। एक बार ही वो हरकत हमारे हाथ आ जाए, हम उसकी मोटी मोटी नोट खाएंगे। बताओ चोर कहाँ है? बताओ बताओ कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? चोर कहाँ है? चोर 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 चोर। देखो जन्म जला, हमको लूट कर इन मासूम बचवा को लूटने आ गया। अरे अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं चोर, अरे हेलो हेलो हेलो, मैं चोर नहीं हूँ भैया। नहीं चोर है, तुम चोर है। हम तुम्हें इतने जूते मारेंगे, इतने जूते मारेंगे, जमाना देखेगा। अरे ये हमारे मामू हैं। नहीं यही चोर है, देखा नहीं कैसा छुपता छुपाता आ रहा था? यही हमारी दीवार कूद कर घर में घुसा होगा। अरे हुआ क्या है ये बताएं, दीवारें गालिब क्यों कब से पड़ रही हैं? अरे ओ बदमाश, तेरा सत्यानाश जाए, हमारा सब कुछ ले गवा, हमारा सब कुछ ले गवा। अरे खाला तुम्हारे पास था ही क्या जो चोर लेकर जाएगा चार पतेलियों के सिवा? अरे कोई की जेवर था, हमारी अम्मा का असली निशानी जड़ाव सेट, वो कोई चोरी करके ले गया, चोरी हो गवा, हमारे पाँव में टटनी शुरू हो गई है। हाय 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 हाय, वही नैन, वही नक्श, वही लहजा और वही मस्तानी चाल। वही हाथों में तेजी, वही मजबूती, वही पान की कवानी खुशबू। हाय 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 हाय। अरे बिटवा ये चोर नहीं है तो फिर वो कौन है? कमबख्त कोनो निशानी छोड़ के गवा होगा, जाके देखो जरा, कोनो उंगली के निशान, कोनो चप्पल, कोनो जूता, कुछ तो होगा ना। भाई अगर ऐसा होता तो मैं थोड़ी ना छोड़ता उसको, मैं तो पूरी रात प्यारे लाल के साथ बैठा रहता हूँ, है ना? तो फिर ये तुहार का रस्तानी है, लाओ हमारा जेवर हमको वापस करो। अरे हमको टेंशन शुरू हो गई है, दो हमारा जेवर, कोई पानी पिला दो। भाई फिर तो मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? वैसी बिहारन खाला को तुम पे शक है और अम्मा अब्बा भी नहीं है, अगर तुम्हें जेल हो गई तो? अब बिहारन खाला पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ये काम तो हमारे प्यारे लाल भी कर देंगे, आपका खोया हुआ जेवर कहाँ है ये बता देंगे ना। ईमान बिटिया हमको भिन्नोट ना करो, हम सब जानते हैं ये अपने भाई को बचाने का प्लान बना रही हो ना। नहीं हम जेवर लेकर जाएंगे, जेवर दो जेवर दो। खाला हौसला रखे ना थोड़ा, और आपको तो पता है कि प्यारे लाल शहीद होने वाला है और जो शहीद होने वाले होते हैं वो अल्लाह मियां के बहुत करीब होते हैं ना। अच्छा तो फिर पूछो इस मलंगवा से, कौन हमारा जेवर ले गया, कौन हमारी तिजोरी उजाड़ कर चला गया, बताओ मलंगवा पूछो। प्यारे लाल बताओ ना बिहारन खाला का जेवर कहाँ है? इसका मतलब
ये कह रहा ऊपर है। हाँ, प्यारे लाल कह रहे कि आपका जेवर जो है वो ऊपर ऊपर है। शायद नहीं, नहीं यकीनन आपका जेवर ऊपर ही होगा, जाके देखे ना। अरे सच्ची बताओ, ये सच बोल रही है? अरे हमारा जी बंद हो जाएगा, देखो हमारा जी इतनी जोर जोर से धड़क रहा है। सच बताओ, सच बताओ। अच्छा ठीक है, अभी हम जाकर देखते हैं। अगर हमारा जेवर ना मिला ना, हम आके तुम लोगों को वो पीटेंगे, गंजा कर देंगे हम तुमको, जमाना देखेगा। अभी आते हैं। या अल्लाह, ये खाला कौन सी मुसीबत खड़ी करेंगी आकर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे कहाँ है हमारा जेवर? यहाँ कहाँ होगा? कहाँ है जेवर? इधर कहाँ होगा हमारा जेवर? हमारा अम्मा का निशानी? हमारा जेवर। आए बाबू, नशे ने तेरा मगज खाली कर दिया, अपनी माँ की तिजोरी उजाड़ने चला था। हाय हमारा जेवर मिल गया, हमारा जेवर। हाय हमारा अम्मा का निशानी। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र। हाय बकरे नहीं ढूंढा, बकरा मलंगवा बकरा, तूने हमको सही बताया, तू बड़ा मलंगवा बकरा है। अरे क्या बताएं, क्या हुआ है, खाला आंधी की तरह आई और आंधी की तरह चली गई, और जो तुमने उन्हें झूठ बोलकर भगा दिया ना, वो वापस जरूर आएंगी। अरे तो उनका सेवर चोरी हो गया, इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा दिया, तेरे भाई पे लगाया यार। अरे हुआ होगा चोरी, लेकिन चोरी किया है उसके नशई बेटे ने। तुम्हें पता है जब मैं प्यारे लाल के लिए चारा लेकर आ रहा था ना, तो रास्ते में मिल गया मुझे, और मुझसे पैसे एड़ने के चक्कर में था वो। तो बस सही है, यही बात हम पुलिस वालों को बता देंगे कि उनके बेटे ने ही जेवर चोरी किए हैं। हाँ भैया बताएंगे। ये है जिन्होंने हमारा जेवर ढूंढा है, ये है। खबरदार, खबरदार जो किसी ने प्यारे लाल को हाथ लगाया तो। आ जाओ भैया, सब इधर आ जाओ। हाथ ही लगाना इसको। अरे इसे कहो हमें छूने हैं थे, अगर इसको छुएंगे तो चुमेंगे कैसे? अरे जो काम पुलिस वाला कर सकी वो इस मलंगमा बकरे ने कर दिया। मैं कुर्बान जाऊं इस कुर्बानी के बकरे के। खाला इसका नाम प्यारे लाल है। अरे वाह प्यारे लाल, कितना प्यारा नाम है, जैसा काम वैसा नाम। खाला बारी, खाला कुर्बान, हमारा लाखों का जेवर ढूंढ दिया। जैसे खाला बिहारन ने बताया, हम सब लोग ज्यारत को आ गए, हमारी अम्मी को दाने हो गए, इसे कहो थोड़ा छींक दे। और बिटवा इनका ना मोबाइल गुम हो गया है, इससे बोलो जैसे हमारा लाखों का जेवर ढूंढ दिया, इनका मोबाइल भी ढूंढ दे, और इनका भी एक काम है वो भी कर दे। और हम ना देखो इसके लिए मिठाई लाए, पकड़ो। और ये ना हार भी इसको पहनाना है, ये भी पहना देना, और ये ना हम फूल इसके ऊपर डालेंगे। आए आए क्या बात है, जब इसने हमारा लाखों का जेवर ढूंढा ना, हमने पूरे मोहल्ले में ना चनचनी दौड़ा दिया, ये सब लोग आ गए इसकी ज्यारत को। अरे हाय इन सब के काम कर दो। वाह मेरे मौला, कितना अच्छा बकरा है, ऐसे भगवान बकरे ने हमारे मोहल्ले को इज्जत दी है, सबके काम होंगे। अरे कल हम फिर आएंगे इसके लिए खालिस घास के लड्डू बना के, धनिया मिला के। ये लो हमारी तरफ से नजराना है? खाना कल इसकी अम्मा को लेकर आएंगे, उस पे छींक देना। और ये लो बिटिया पूरा 1000 रुपया, ये रख लो, कल हम फिर आएंगे ज्यारत को। हमने प्यारे लाल का ख्याल रखना, देखो ख्याल रखना वरना अच्छा नहीं होगा। चलो भैया कल फिर आएंगे, अपनी अम्मा को लेके आना। चलो भैया चलो, प्यारे लाल जिंदाबाद, प्यारे लाल जिंदाबाद, प्यारे लाल जिंदाबाद। ऐसा कैसे हो सकता है मामू, वो तो सिर्फ इत्तेफाक से हो गया था। जी बिल्कुल मामू, आप मामू हैं, और ऐसा नहीं होगा कि आप हमें मामू बनाएंगे और हम मोहल्ले वालों को बनाएंगे, ठीक है ना मामू? अरे मेरे प्यारे बच्चों, देखो भाई ये है भलाई के काम, और जो काम लोगों की भलाई करता हो वो गलत कैसे हो सकता है? अब देखो ये तुम्हारी बिहारन खाला है ना, इनका जेवर भी तो प्यारे लाल की वजह से मिला है, और अल्लाह ताला उन बंदों को जरूर पसंद करता है जो उसके बंदों के लिए भलाई करें। हाँ
मेरा नाम तो ईमान है, मैं अपना ईमान खराब नहीं करूंगी। हाँ इसका मतलब है तुम नहीं मानोगी। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ वो काम करूंगी जिसमें लोगों की भलाई होगी। देखो कितने ना समझ हो तुम लोग, तुम्हें फाइनेंस की कोई समझ ही नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए भेजा हो यहाँ पे। वैसे मामू जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे ना तो हम अपना सारा पैसा रहीम कुल्फी वाले के अकाउंट में डलवाएंगे, टैक्स से बच जाएंगे। अरे रहीम कुल्फी वाले की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो फिर किसी खराब करें भाया? मामू है ना, इनका कत्ल कर देंगे। अरे मामू गुट्टी वुट्टी छोड़े, ये बताएं आना कैसे हुआ? अगर पापा को पता चल गया ना तो हालत पतली हो जाएगी आपकी। कहाँ जा रहे हैं? बातें तुम मुझसे करते हो ना, मुझे ये बातें पसंद नहीं है। अरे बुरा मान जा। खबरदार मामू, जो आपने अपनी मैली नजर से घर की किसी भी चीज को देखा, अब्बा के दिल से अभी तक एलईडी का गम नहीं गया। एलईडी के पीछे इनका हाथ था? हाँ इन्होंने ही लिया था। अरे एलईडी छोड़ो, ये बताओ कि जब पैसा आएगा तो करेंगे क्या डांस? पैसे पे डांस करेगा? चुप हो जाओ तुम दोनों। तुम्हें पता भी है हर वक्त मोबाइल पे लगे रहने से गर्दन पे 50 किलो वजन के बराबर जोर पड़ता है। मोबाइल नहीं है, लैपटॉप है। अरे ये तो और मुसीबत है, ये तो 4 गुना ज्यादा है। इसका मतलब तुम्हारी गर्दन पर इस वक्त 200 किलो वजन पड़ा हुआ है। अगर ऐसा होता ना तो पूरी दुनिया अपनी गर्दन पे 100-100 किलो के बोर्ड लटका के घूम रही होती। काम करने दो यार। अरे तुम ऐसा भी क्या काम कर रहे हो जो गर्दन उठा के भी नहीं देख रहे? दिखाओ मुझे। ये क्या है? मैं स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में पढ़ रहा हूँ। ऑनलाइन बिजनेस, समझे? नहीं समझा, क्या मतलब? देखो अम्मी अब्बू के आने से पहले मैं बिजनेसमैन बन चुका हूँ, मतलब हमारे प्यारे लाल हमें कमा कमा के देते रहेंगे और मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। ऐसा सोचना भी ना। हमारे चीचा वतनी में वो सिप्तैन मलिया मेट के बेटे ने यही हरकत की। हाय 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 हाय, सारे सरमाए से हाथ धोने पड़ गए, सब कुछ मलिया मेट हो गया यार। अब मलिया मेट तो होना ही था, नाम भी तो देखो मलिया मेट रखा है। मगर हम तुमको ये हिमाकत नहीं करने देंगे। तुम्हारे अम्मी अब्बा के आने से पहले हम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करवाएंगे कि हर महीने आराम से हजारों नहीं लाखों रुपए आते रहेंगे। ये तो बहुत ज्यादा आ रहे। हाँ हाँ ऐसे ही। अगर बातें पूरी हो गई ना तो चाय पी लो आके। आजो भाई आजो, चाय पिए। एक मिनट मेरी बात सुनो, ये इतनी सारी चाय तुम किसके लिए लेके जा रही हो? आज के चाय पे गुजारा करना है? बेवकूफ इंसान, जो हमारे लिए कमाता है उसकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। इसका मतलब कि सारी चाय मामू पियेंगे? जी नहीं, मामू के लिए तो ये भी कम पड़ेगी, ये तो हमारे प्यारे लाल के लिए है, ये सारी चाय हमारे प्यारे लाल पियेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय तो पियो। वो तो नहीं आ गए? अरे नहीं 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 नहीं, वो मैंने ना प्यारे लाल के लिए हरी फूलों वाली चादर मंगवाई थी और साथ में चुन चुन करते हुए कड़े, वो ही आया होगा। हाँ अरे हमारे प्यारे लाल तख्त पे बैठ के लोगों के नसीब संभाल रहे होंगे, कितने अच्छा लगेगा ना, है ना? पागल हो गए हो तुम दोनों, हाँ घर को मजार बनाओगे? नहीं मजार नहीं, मजार जैसा। प्यारे लाल का हुजरा। ओए हुजरा, ये मैं दिख रहा हूँ जरा। अब चाय पिए। जी आप कौन? मेरी बात सुने, अगर आप चंदा मांगने हैं ना, मैं आपको पहले ही बता दूं, हम हर महीने इमाम साहब को चंदा देकर आते हैं। कौन है? अरे बेटा मैं हूँ साहिल बेजार, तकलीफ से ख्वार, जिगर है पारा पारा, कल्ब है बेचैन नाकारा, दर्द शकीका है अजियत का नया तरीका, ये है भला कोई जीने का सलीका। क्या उर्दू की पुरानी किताब के पास मुझे छोड़ के जा रहा है?
अरे मैं पापा के कमरे से लुगत लेने के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं कौन आदमी है, नशा करते हैं, हमसे खाना मांग रहे हैं, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, अरबी और फारसी मिक्स करके। अरे मियां आप मेरी बात तो, अरे किधर घुसे जा रहे हो चाचा, बाहर जाओ बाहर जाओ। आजकल वैसे भी भेष बदल के डाकू घर में घुस जाते हैं, भगाओ इन्हें। अरे बेटा आपको अल्लाह का वास्ता, मुझे उस अजीम शान आली मर्तबत से मिलवा दे, मैं उससे मिलने के वास्ते आया हूँ। अबे क्या खुराफात बकरा है? बकरा? अरे हाँ, कहाँ है वो बकरा? अजीम शान हिकमत से भरा, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। अरे आपको मसला क्या है जो आप हमारे प्यारे लाल से मिलना चाहते हैं? अरे भाई लाहौले वाला कुवत, क्या गैर मुस्लिमों वाला नाम रखा है उस बेजुबान का, अगर बोलता होता ना तो अदालत में कार्रवाई डाल देता आप लोगों के ऊपर। प्यारे लाल है? हमें इस गैर मुस्लिम बकरे से नहीं मिलना। अरे चाचा ये वो प्यारे लाल नहीं है जो पड़ोसी की मूवी में म्यूजिक बजाता है, ये तो हमारा प्यारे लाल है जो अंगूठी में लगा होता है, मौका लाल। अरे चाचा हमारा प्यारे लाल ना बहुत ही अल्लाह वाला है, हर वक्त बस चूमता ही रहता है। अच्छा अच्छा तो बहुत माजर बेटा, तो फिर चले मिलने के लिए? अब जी वो दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो देखे। इसका मतलब है इस्तिहारत फरमा रहे हैं हुजूर। क्या क्या मतलब, क्या फरमा रहे? इस्तिहारत। इसका मतलब क्या होता है? आराम। तो चाचा सीधा सीधा बोलो ना, चलो आ जाओ। खबरदार मुझे चाचा बोला तो। ठीक है ठीक है, आपको जो बोलेंगे हम वही कहेंगे। कहाँ है? सीधा सीधा चलते रहे बस। आवाज आ जाओ भाई। हमारे प्यारे लाल। अरे मियां इससे हमारा तारुफ तो करवाओ। जी जी प्यारे लाल, जिनका आप सुबह से नाम ले रहे थे ना, वो शख्स यहाँ पर आ चुके हैं। अरे वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब ये इतना पहुंचा हुआ था कि इसे मेरे आने का पहले से पता था। अरे बरखुरदार पहले ये तो बताओ कि हमें तकलीफ क्या है? बंगाली बाबा के पास गए, उनकी समझ में नहीं आया, सन्यासी के पास गए, वो ना समझ पाए, मजार मजार घूमे, मगर किसी को हमारी बीमारी समझ ना आ सकी। अरे चाचा तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना, क्यों चिंदी चोरों के पास चक्कर लगा रहे थे? अरे बेटा तुम्हें पेट्रोल के रेट का पता है? फलक से बात कर रहा है, फलक से। चाचा आप पेट्रोल पे चलते हैं? अरे हम नहीं, वो डॉक्टर चलता है पेट्रोल से, आने जाने के पैसे मांगते हैं वो, हम ठेरे गरीब आदमी अब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे अब तो यही आखिरी दरगाह है जिससे उम्मीद शिफा है। अरे चाचा क्यों सीन को ड्रैग कर रहे हो, अब जल्दी से बताओ कि मसला क्या है। अभी बताता हूँ। अल्लाह क्या रहे हो? अरे 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 इसने तो टक्कर मारकर मेरी हड्डियां तोड़ दी। अरे तुम लोग तो कहते थे कि ये बड़ा मेहरबान बकरा है, अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम लोगों के ढकोसले, तुम लोग ना इसके नाम पर पैसे बना रहे हो, मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। सुनो तुमने, जा भाई जा, हमने नहीं बुलाया था तुम्हें, आ जाओ यहां से। छोड़ूंगा नहीं तुम लोग, नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है जाओ, और जाते जाते डॉक्टर को अपनी हड्डियां दिखा देना, और देख लो कहीं यही हड्डी ना गिर गई तुम्हारी। हाँ इसको जो है ना दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है बुड्ढे का, लगता है दिमाग में लुगत भरी हुई है। अब मेरा प्यारा, अब मेरा प्यारा लाल। अरे अमीन सेठ ओपले वाला, इतना बड़ा सेठ मेरे होटल पे, अरे आराम से बैठना, कहीं कुर्सी ना टूट जाए। ए चरिया मेरे को मजाक करता है, तेरा मेरा मजाक कर ले से नहीं,
अरे तुम जैसे तीन चार आदमी हो ना, ये कौम घर ना बैठे। अच्छा, ये सच्ची बोल, मैं इतने काम का बंदा हूँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं है। पर ये तो बता कि अपन के खातिर लोग घर में क्यों नहीं बैठे, ये मेरे को नहीं समझ में आया। अरे तुमने इतना उधार पकड़ा हुआ है कि लोग तुम्हें ढूंढते फिरते हैं और वो लोग घर कैसे बैठे। ये मजाक करता है न मेरे को जलील करता है, ये बंदे को भेज चाय मंगा। अरे अमीन सेठ, इतना बड़ा आदमी होकर 5 स्टार होटल में चाय क्यों नहीं पीता है, मुझ गरीब के ढाबे में चाय क्यों पीता है। अभी बात सुन, अभी मैं तेरे को एक राज की बात बताता हूँ। बता। नहीं देखो, जिस भैंस का दूध तुम लोग डालते हो ना, वो लोग भी यही डालते हैं। हाँ। जो पत्ती तुम लोग डालते हो ना, वो पत्ती वो लोग डालते हैं। हाँ। ये चीनी भी सेम टू सेम होती है। हाँ। पर मेरा मगज फिर आया जो इतनी महंगी चाय में जाके उधर पियूं। वो बड़े होटल में तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं और यहाँ पर मुफ्त में चुस्की लगा कर चले जाते हो। अभी मैं तेरे को एक बात बोलूं, अभी महंगाई का तूफान आने वाला है, ने लोगों की चड्डियां बनियानियां उतर जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी से ने चड्डी बनियान का काम शुरू कर दूं। बोल क्या बोलता है। अरे मैं आपको एक नया कारोबार बताता हूँ। अच्छा, वो सामने ना एक बकरा रहता है, वो चोरी का माल ढूंढ लेता है और महबूब को अपने कदमों में लेके आ जाता है और बीमारों का इलाज कर देता है और रातों रात अमीर कर देता है। ये तो सच्ची बोलता है। हाँ। चल मैं चलता हूँ, तो किधर उधर बताया वो सामने गली में। करो ना। यस प्यारे लाल, गो 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 गो। अरे अरे बेटा, हमसे लग्जिश हो गई, हम अपनी कोताही के लिए माफी के तलबगार हैं। अरे चाचा, ड्रामे करने आए हैं हाँ? अरे देख लिया हुजूम कितना लगता है हाँ? अरे बेटा, मैं अपनी कोताही के लिए माफी चाहता हूँ। असल में मुझे नहीं था पता कि ये बेजुबान है। बेजुबान है तो क्या हुआ, इशारे तो कर सकते हैं ना। और इसने जब मुझे टक्कर मारी तो मैं सीधा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसने ठीक उस जगह टक्कर मारी है जहां आपके गुर्दे हैं। अब ये 3 बड़े-बड़े पत्थर है ना, वो ऑपरेशन के जरिए निकाले जाएंगे। बस क्या बताऊं, इतने सालों तक मैं टामक टोइया मारता रहा, मुझे क्या पता था कि मेरा इलाज इसके पास है। वाह मेरे मौला तेरी शान, ये बोल तो नहीं सकता मगर बहुत कुछ बोल गया बेटा। अच्छा, इस खुशी में ना मैं ये तुम्हारा इनाम है। ठीक है, शुक्रिया। और हाँ, ये आप दोनों के लिए। मुझे दे दे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अरे अरे मेरा खोलो, अभी मैं बोलता हूँ इस बकरे को बेचता है। आपकी तारीफ। अभी तारीफ मारीफ को छोड़, अभी मैं तेरे को बोलता हूँ अगर तू बकरा मेरे को दे देवे ना तो मैं तेरे को 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख? वो तो ठीक है, लेकिन सेठ साहब ये ऑफर थोड़ी कम है, कोई करोड़ या 2 करोड़ की बात करो। करोड़ 2 करोड़ है ना अभी। अरे मैंने भी अपने अम्मी को कहा था। अरे यार मेरी बात सुनो, हम बस हम कल आएंगे, अब जाओ। हाँ तुम एक काम करो, तुम कल 11 बजे आना, बल्कि हम ले आएंगे प्यारे लाल को, तुम्हारी अम्मा पे छूट छीक देगा। ए चोकरा, जब ये बकरा मैं खरीदता हूँ तू काय को उसको बोला के बकरा कल आवेगा। अरे एक मिनट, हमने कब कहा कि हम प्यारे लाल को बेच रहे हैं भाई, पहले आप ऑफर पे गौर करें। हाँ, और ऑफर आपकी बहुत ही कोई कम है। हाँ। आपको क्या लगता है 50 लाख में प्यारे लाल दे देंगे? अरे इतने पैसे तो हम 3 दिन में कमा लें। 3 करोड़ 4 करोड़ की बात करना हमसे, क्योंकि एक बात बताऊं, जब इसको लेके जाओगे ना इंटरव्यू के लिए तो सिर्फ प्यारे लाल नहीं तुम भी मशहूर हो जाओगे, बहुत मशहूर हो जाओगे, समझे मेरी बात को। ठीक है भाई, अभी मेरे को 1-2 रोज दो, मैं करोड़ का इंतजाम करता हूँ, लेकिन देखो मेरे को जबान देनी होगी,
कि ये बकरा मेरा है। अगर ऑफर अच्छी होगी तो जमान मिलेगी। मेरी बात सुने, हमारी आखिरी ऑफर है 1,70,00,000 रुपए। हाँ, आखिरी बोलिए। हाँ। शेठ अमीन, अभी 1,70,00,000 से 5 करोड़ हो जावे ना, इससे पहले निकल ले भाई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात सुने आप जरा, 4 साल से मेरे बच्चे को पढ़ा रहे हैं आप, बच्चे ने अभी तक कुरान खत्म नहीं किया। 3 साल से कह रही हूँ नहीं हो सकता तो बता दें, मेरा बच्चा 6ठी से 10वीं में आ चुका है मगर अब तक कुरान खत्म नहीं कराया आपने, हद हो गई। वो जो ब्लॉक 12 वाली बाजी है ना, वो तो यूं फटाफट कुरान खत्म कराती है बच्चों से। अरे बहन, देखा उस्तानी के बच्चों को, एक आयत तो ढंग से पढ़ नहीं सकते, मैं दिल लगाकर पढ़ाता हूँ। अरे बस रहने दें, महीने की तनख्वाह हाथ से ना निकल जाए इसलिए बच्चों को फारिग ही नहीं करते आप लोग। अरे तुम लोग तो मुबारक कामों में भी डंडी मारने लगे हो। बहन सच बात तो यही है, हमें हुकूमत की तरफ से ना ही कोई वजीफा मिलता है और ना ही कोई जरिया है, बच्चों को पढ़ाकर अपना पेट पालते हैं। अरे ये सब बहानेबाजी है, वरना जब अल्लाह देने पे आए ना तो बकरे के जरिए भी खूब कमाई होती है। जी मैं समझा नहीं। अरे वो कबीर विला वाले हैं ना, बैठे बैठाए करोड़ों में खेल रहे। हाय क्या बरकत वाला बकरा है, आपसे अच्छा तो वो बकरा है जो इतना कमा के दे रहा है। जी जी मैंने सुना है, अल्लाह पूछेगा उन लोगों से जो मासूम लोगों को धकते हैं। लोग अंधे नहीं है, फायदा हो रहा है तभी तो जाते हैं ना। मैं भी जा रही हूँ बबलू को लेके। खुदा हाफिज। मौलवी साहब जी, क्या क्या बात है जी, आपके तावीज की है, आपके तावीज से ना हमारे चीची बच्चा काउंसलर बन गए। अरे बकरे के लिए भाई, कैसे तावीज कैसी मुरादे, लगता है हमारा तो सारा काम एक बकरा ही कर लेगा। अरे बकरे के लिए, और क्या कह रहा है ये, और मुझको भी तो पता चले, और जरा समझा मुझको। आग लगा दी। उफ अल्लाह, मेरा मतलब था कि सोशल मीडिया पर प्यारे लाल ने आग लगा दी। खुदा की कसम, अरे तुम लड़कियों को क्या आदत है सेंसेशन फैलाने की, अभी मेरा दिल बंद हो जाता। ये देखो इधर आओ, इधर आओ, देखो ये देखो, इंस्टा पर पूरे 500 और यूट्यूब पर पूरे 1000 फॉलोअर्स हो गए इतनी जल्दी। ये सारी मुसीबत जो है ना, बिहारन खाला की फैलाई हुई है ना, उनका खोया हुआ जेवर वापस मिलता और ना हम फंसते, और ऊपर से वो मामू ने आके हमारी अगलों में ताले लगा दिए। उफ अल्लाह उमर, तुम कितने नाशुक्र हो, एक तो हम पे पैसों की बरसात हो रही है, ऊपर से तुम ये बातें कर रहे हो। अरे यार तुम दिमाग खराब मत करो। और वो खुर्रम का नजर क्यों नहीं आ रहा? मामू लेके गए उसको मामू बनाने के लिए, साहब को प्राइज बॉन्ड दिला रहे। वाह वाह ये ठीक है, हिस्सा हम तीनों का और प्राइज बॉन्ड वो लेगा। अच्छा ज्यादा चिक चिक मत करो, आराम करे। बे यार अब कौन सवाली आ गई है, जाओ जाके देखो। तुम नहीं देख सकती? नहीं जाओ। जा रहा हूं मैं। चिचू साहब घबराने का नहीं है, रोब रखना है, आंखें जैसे खुली रखनी है, इनको ना डरा के रखना पड़ता है, ये जो है ना खौफनाक सियासतदानों से डर के रहते हैं, सियासतदानों से तो वैसे भी डरते ना। और तू फिक्र ही ना कर बाकर, अकेले आ जा तू, बस जा आ जा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मेरे भाई, कहाँ आ रहे हो? हेलो रुक जाओ। हेलो ओ क्या हो? हमारे लगे के घोसले चिची बादशाह है। मेरी बात सुनो, मैं भी ना बालिग हूँ, वोट के लिए भी पूरा नहीं हूँ, जाओ बाद में आना। जी सलाम अलैकुम। ए बात सुन, रुक जा। ए बात सुन, बात करे वो अकेले, ये तो मुझसे डरा भी नहीं और घबरा भी नहीं रहा। और चिची बादशाह फिकर नॉट, ये भी करेंगे भी और घबराएगा भी, अभी जानता नहीं बाकर अकेले को। अबे चिची बादशाह इतने गुस्से में, तुझे खौफ नहीं आ रहा? अरे क्यों खौफ आएगा यार, ये तो हमारे घर के नल के ठीक करता है और कभी कभी गटर लाइन भी डाल देता है, इस पे क्यों गुस्सा आएगा मुझे? अबे ओए चिची बादशाह ने बात नहीं करनी, अब्बा को बुलाओ। अब्बा तो नहीं है,
तो अम्मा को बुलाओ। अबे ओ आराम से बात कर हल्के। अरे 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 भाई क्या हो गया क्या हो गया? भाई अम्मा का पूछ रहे हैं। मेरा मतलब है चंदा मांगने वाले लग रहे, पैसा दे और फारिग कर भाई। क्या चंदा मांगने वाला किसको बोला? वो हम लोगों ने सुना है कि तू लोगों में बड़ी बेरहरावी फैला रहा है। बेरहरावी? अरे हमने कौन सा नाइट क्लब खोला है? अबे ओए चिच्ची बादशाह की बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुमने कहा? हाँ तो कर लो ना कंप्लीट, मुझे क्या। खैर वैसे भी आप लोग बेरुपिया लग रहे हो, मेरा मतलब है लग रहे हो। बहुत हो गया, निकाल उस बकरे को बाहर शराफत से, समझा? क्यों 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 निकाले भाई? हमारा बकरा है, हमने चोरी थोड़ी किया, पैसे वो खरीदे अपने। हाँ अबे हमने तो सुना है कि तुम उस बकरे को करामती बकरा बता के पैसा लूट रहे लोगों से, और वो भी बिना टैक्स के। भैया हमको स्टेट बैंक है जो पैसा बनाते हैं। है? आप लोगों को गलत फहमी हुई है, चले अब जाए यहाँ से, चले चले। अबे तुम लोग हमको भगाने की इतनी जल्दी में क्यों? लगता कोई दाल में काला है। ए, बात सुनो अब बच्चे, ये बकरा है ना जो, ये हुकूमत की अमानत है और ये तोचा खाने में जमा कराना पड़ेगा। भजन टोचा खाना नहीं, टोचा खाना। हाँ ठीक है। अच्छा मैं एक बात आए कि ये आपने इस साल इसको इलेक्शन में खड़ा करना है? आपको किसी ने गलत बताया भाई, अब आप जाओ। चलो लगता है सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अबे हो हमारे चाचू ने आर्मी में और मामू बैरिस्टर है, आर्मी समझ रहे ना आर्मी। बकर निकल यार, मामला खराब हो रहा है। सुन लो अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन वापस जरूर आएंगे, और ये ना बकरा लेकर जाएंगे तो तुम लोगों से, और ना अकेले नहीं आएंगे, पूरा इलाका आएगा, पुलिस आएगी, वकील आएगा, दुनिया को लेकर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अजीब मुसीबत लग रही है, दरवाजा बंद कर खुद ही चले जाएंगे। जब आना होगा आना, चलो आ जाओ, चलो 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 चलो, देख देख लेंगे, देख लेंगे, कंधे से लोहा निकाल। अजीब आदमी है, चिच 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 चिची बादशाह, आ जाओ। थैंक यू। बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दो जल्दी से। भूख तो यार बहुत लग रही है वाकई यार। मुझे नहीं आता खाना वाना बनाना, और मैं ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर कर चुकी हूँ, चार आम आप पहले ही खा चुके, पेट नहीं भरा आपका? ऑनलाइन खिला खिला के ना तुमने पेट में दर्द कर दिया मेरे, आगे नहीं बताऊंगा मैं। अम्मी की याद आ रही है, क्या सीन है भाई, पिज्जा नहीं अभी तक? मामू खुदा का खौफ करे, लुटाओ भाई लुटाओ, कमाए प्यारे लाल और उड़ाए माँ के लाल। काज न्यूज में खुशामदीद। नाज़रीन आजकल सोशल मीडिया पे एक सोशल बकरे की बहुत धूम है, लोगों का जमे गफीर इस बकरे से मिलने चला जा रहा है, लोगों का कहना है कि इनके तमाम मसाइल को पलक झपकते में हल कर देता है। इसी सिलसिले में हमने इसी मोहल्ले के चंद लोगों से बात की, चलिए देखते हैं। अरे ये कब हुआ, मुझे तो पूरे मोहल्ले की खबर होती है। एक मिनट, ये तो हम कब बिहारन खाला लागत है। हेलो हेलो, हमें बिहारन खाला। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे जो तावीज गंडे वाले हैं ना, बंगाली बाबू काले बाबू, ये सब ना फ्रॉड है, ये सब मिलकर ना हमको चरिया बना रहे हैं, हमको उल्लू बना रहे हैं, क्या समझते हैं? और ये जो पुलिस है ना, ये तो बेक गई है पुलिस, पुलिस कुछ नहीं करती, सब हमको बेवकूफ बनाते हैं उल्लू के पट्टे। अरे हाय, पर एक बकरा है, का बकरा है, का बकरा है, का जादू है उसकी आँख में, बड़ा करामाती बकरा है, अरे उसने हमारा जेवर ढूंढ दिया, उसका नाम है प्यारे लाल। अरे मैं कुर्बान, अरे मैं वारी, प्यारे लाल जिंदाबाद, प्यारे लाल जिंदाबाद। क्या हुआ मामू? ये तुम्हारी मामी है ना, वो बिल्कुल हूबहू ऐसी ही थी। वाकई ये तो ऐसा करामती बकरा, इसको तो हुकूमत के खजाने में होना चाहिए था, ये तो हमारा सारा IMF का कर्जा माफ करवा देगा। जी तो नाज़रीन आपने देखा, इस करामती बकरे ने धूम मचा रखी है। कैमरामैन यावर के साथ मैं हूँ मैना। हम बिहारन खाला, बिहारन खाला। अबे भाया, ये तो कैसे फोड़ा है, जिसके अम्मा को फोड़े हो गए थे वो भी खत्म हो गए। अब तो यार मुझे बहुत डर लग रहा है, ये प्यारे लाल ना रहमत नहीं जहमत बन गया है भाई। बस अब हम कल से किसी को नहीं आने देंगे, तुम लोग को नहीं पता हम बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे, बस खेल खत्म। और मैं तो कहती हूँ कि तुम मामू के साथ मिलकर प्यारे लाल को चीचा वतनी ले जाओ। हाँ। जाओ जाओ। अरे पागल हो गई हो क्या, इतना आसान है मामू के साथ ट्रेवल करना? मतलब प्यारे लाल के साथ अब इतना वायरल चल रहा है, लोग चढ़ावे चढ़ाने शुरू हो जाएंगे, और डाके का अलग अच्छा है। बकवास बंद करो यार, मोहल्ले में जाके बता दो कि प्यारे लाल को हम किसी से नहीं मिलने देंगे, इसकी कुर्बानी कर देंगे, बस बात खत्म। और मैंने तो ख्वाब में देखा था कि प्यारे लाल हमारी कुर्बानी कर रहे हैं। अरे पागल हो गया हो क्या,
अपनी एटीएम मशीन कौन तबाह करता है भाई? यार इतनी खौफनाक बातें मत करो, मैं तो कह रहा हूँ अम्मी पापा के आने से पहले ये सब वाइंड अप करो भाई। कौन जाएगा? पिज्जा आया होगा शायद। आप देख रहा जाओ ना जाओ, मैं देख लेता हूँ। नहीं आप बैठे रहो, अभी आम खाओ। तुम्हारे बाबू भी हम हैं और हम ही आपकी बाबन। आप जो काम बोलना है हमें बोले। एक का बुखार तो नहीं चढ़ गया तुमने भेजे पे? हमारा भेजा तो आपका हुस्न देखकर उड़ गया है। अरे कहाँ कह रहे हो भाई, अब कहाँ वो पहला सा हुस्न? अरे पहला सा हुस्न भी क्या चीज होता है भाई, हमारा ये भेजा पहले से हुस्न ने उड़ा दिया, फिर दूसरी मरतबा ये हमारा भेजा इस बासी हुसन को देख के उड़ गया। कहाँ कह रहे हो भाई, अजब बातें कर रहे हो। अगर हम फिसल गए तो बड़ी बदनामी होगी। फिसल जाइए, अब फिसल जाइए, हम संभाल लेंगे। हाय 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 हाय। अरे बाबा हमको ये छेड़छाड़ पसंद नहीं, हम ये लड्डू लाए थे अपने प्यारे लाल के वास्ते। प्यारे लाल के एक लड्डू हम चख ले। आए चक क्यों लो, दो चार ठूस लो। ये जो लड्डू है ना, ये हम खाली से घास से बनाए, इसमें धनिये के बीज डाले हैं और ये हम लाए हैं बकरों के और गधों के वास्ते। तुम खा लो, तुम्हें भेजे के लिए बहुत मुफीद होंगे। आप हमें घोड़ा कह रही हैं? घोड़ा तो नहीं कहा हमने। तो फिर गधा कह रही हैं? पता नहीं। अच्छा ये बताओ बाबू लोग किधर हैं? ईमान जो है ना वो ठीक ठाक की रिकॉर्डिंग कर रही है, और उमेर जो है वो बकरे की खिदमत पे मामूर है, और खुर्रम वो कसाई की बुकिंग के लिए गया हुआ है। कसाई? नहीं नहीं नहीं, ए बाबा ही नहीं हो सका, कह दो ये झूठ है झूठ है झूठ है, अब अपने प्यारे लाल का जुदा नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे। भाई क्या कर रही है अभी, क्या कर रही है? अरे ये क्या, नजर नहीं आ रहा, हम बैंड डाल रहे हैं, हम एहतजाज करेंगे, सारे मोहल्ले वाले को बुलाएंगे, पर अपने प्यारे लाल पर आंच नहीं आने देंगे। अगर आंच नहीं लगेगी तो बकरे का गोश्त गलेगा कैसे? ए बुढ़ा चुप कर जाओ, अभी हम जाते हैं, सारे मोहल्ले को इकट्ठा करके लाएंगे, अपने प्यारे लाल को मरने नहीं देंगे। आए आए मोहल्ले वालों, देखो क्या कर रहे हैं। प्यारे लाल जिंदाबाद, प्यारे लाल जिंदाबाद, प्यारे लाल पे जुल्म ना मंजूर, ना मंजूर, प्यारे लाल पे जुल्म ना मंजूर, ना मंजूर। अरे क्या लफड़ा खड़ा कर दिया, इतने सारे लोग मौजूद हैं और पुलिस लोग जा चुके हैं। आने का टाइम हो गया, चलो अच्छा अच्छा है, हमारा चनाजा उठाने के लिए पुलिस लोग मौजूद है। अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, पापा के आते ही वो हमारी गर्दन अलग कर देंगे। अरे किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया? नहीं 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 नहीं, प्यारे लाल कौन है? अबे ये प्यारे लाल का क्या मामला है फिर बताओ, किसी का बच्चा तो नहीं उठा रहा तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, प्यारे लाल तो हमारा बकरा है, और ये ना हमने कुछ नहीं किया, ये जो भी किया हुआ है ना इस बिहारन खाला का किया हुआ है, हमने हमने नहीं किया हुआ कुछ, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। काम करो अंदर चलो, मुझे
साफ साफ खुल के बताओ कि आखिरी मार्जरा क्या है। आप थोड़ा इधर दो। आप लोग को याद है जब आप लोग शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे तो जी तो मेरे घर की सोशल मीडिया क्वीन जरा इधर तशरीफ लाइए, मेरे सामने आके विराजमान हो जाइए। जी पापा। पापा की बच्ची, जो बखेड़ा आप लोगों ने फैलाया है ना, अब इसे समेटने का वक्त आ गया है। तो पापा ये मैंने अकेले ने थोड़ी ना किया है, ये तो खुर्रम और उमेर और वो कौन था तुम्हारे साथ? बता रहे हैं वो, असल में ना ये सारा जो रायता फैलाया है ये उन्हीं का फैलाया हुआ है। इसी बात का तो मुझे डर था, घुसा लिया ना किसी को घर में। नहीं नहीं कोई और नहीं था, वो तो सुल्तान मामू है ना। वो क्या सुल्तान मामू, वो इस घर में आया था। अरे भाई ये देखो, इसी बात का डर था, इसी बात का डर था मुझे। सारे कीमती वासेस गायब है और वो औरतों मेरी अम्मा का चांदी का बक्स, मेरी अम्मा की आखिरी निशानी था, वो भी ले गया बदबख्त। कोई और ले गया होगा। अरे करेंगे अगर आप लोगों ने फौरी तौर पे इस बखेड़े को नहीं समेटा तो। वो तो ठीक है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और वो जो पानी है वो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। चुप कर जाओ सुनो, अब मेरी बात गौर से सुनो। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूँ ईमान कबीर। मैं हूँ खुर्रम कबीर। और मैं हूँ मेहर कबीर। तो आप सब लोगों ने प्यारे लाल के बारे में बहुत सी बातें सुनी होंगी और हम सब लोग उसकी वीडियोस भी अपलोड करते रहे, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसा हुआ वैसा हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हमने कुर्बानी को फरामोश कर दिया और कुर्बानी के जानवर का मजाक बनाया। देखें जो कुछ भी हुआ वो बस इत्तेफाक था और फिर एक के बाद एक वाकया होता रहा, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। मेरे पापा एक सफेद पोश आदमी है और उन्होंने हमें जिंदगी में कभी किसी चीज की तंगी नहीं होने दी। और देखें बस यही कहानी थी जो एक छोटे से झूठ और एक मजाक के साथ शुरू हुई और आप हमें इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन हम आज अहद करते हैं कि आज के बाद कुर्बानी के किसी भी जानवर पर जुल्म नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें बहुत प्यार और एहतराम के साथ रखेंगे जो कि उनका हक है। बिल्कुल। और एक और बात, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्यारे लाल की कुर्बानी में प्लीज कोई रुकावट मत डालें। और कुर्बानी की खाल थैंक यू चीची बादशाह को बिल्कुल नहीं दे, जो मुस्तहिक है उन्हीं को दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो बच्चों एक जरूरी बात मुझे तुम लोगों को समझानी। जी बाबा। जो सोशल मीडिया है ना, ये एक टूल है, बड़ा ताकतवर टूल है। ये आप पे मुनासिर है कि आप इसका मुस्बत इस्तेमाल करते हैं या मनफी इस्तेमाल करते हैं। आप इसके जरिए अपने माशरती अखदार, अपने मजहबी रस्म रिवाज का मजाक बनवाते हैं या उन्हें वकार बख्शते हैं। क्योंकि कुर्बानी को मजाक नहीं, दुनिया भर के मुसलमान इसको अपना मजहबी फरीजा समझते हैं, लिहाजा इसका मजाक उड़ाना बहुत ही घटिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जी बाबा। बाबा एक बात कहनी थी। जी। अगर हम चार बकले ले लें तो महीना 10 लाख रुपए कमाएंगे, क्या कहता है?